नेचर इज ब्यूटीफुल, नेचर हील एवरीथिंग। ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी और महसूस भी करी होगी, पर कोविड के कारण हम लोगों का जो ट्रैवल है वो बहुत टाइम से जो है वो रुक गया था। और ये जो वीडियो है उसमें हम लोग जर्मनी का सबसे खूबसूरत एरिया जो है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको ट्रैवल स्टोरीज सुनाने वाले हैं। ओके, सो हमने एक छोटा सा हॉल्ट लिया है ये जगह, और ये ट्रैवल स्टोरी लॉकडाउन के बाद की और कोविड के साथ की ट्रैवल स्टोरी होगी, जिसमें हम लोगों का जो ट्रिप है वो डे ट्रिप हो गया या दो दिन का ट्रिप हो गया, या हम लोगों को होटल या एयरबीएनबी बुक करने में बहुत मुश्किल हुई, या हम लोगों को ओनर्स ने डायरेक्टली मना कर दिया। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स जो थे वो बंद थे, सब चीज़ जो थी वो खाली खाली थी। टूरिस्ट प्लेस होकर भी सब कुछ खाली खाली होकर बहुत ही डिफरेंट ट्रैवल था ये हमारा, पर फिर भी इस ट्रैवल ने हमें हर 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 मोमेंट पे शॉक किया। बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे, माउंटेन्स एरिया, लेक एरिया, नेचुरल विलेजेस और ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिखाया। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर जर्मनी का ये नेक्स्ट पार्ट में लेके आई हूँ। आपको दिख ही रहा होगा कि मैं अपनी जगह तो नहीं हूँ, कहीं तो हूँ। और आज हम लोग हैं एल्प जे में, और यहाँ पर कैसे पहुँचे पहले उसका रास्ता देखो, फिर इस जगह के बारे में मैं आपको बताऊँगी। ये जो एरिया है इसका नाम अलगॉय भी बोलते हैं, पर अलगॉय जो है वो बहुत बड़ा एरिया है। उसमें बहुत सारी ऐसी जगह है जो मैं आपको इस वाले ट्रिप पे बताऊंगी कि आप कौन कौन सी घूम सकते हो। और हम लोगों ने बीच बीच में हॉल्ट लेके, ये ड्रोन शॉट्स लेके आप लोगों को पूरा फील देने की कोशिश करी है कि आपको ऐसा ही लगे कि आप हम लोगों के साथ घूम रहे हो। तो पहले हम लोग अपनी जगह शॉबिश गुमुन से जाने वाले थे एल्प जे। ये बहुत बड़ा लेक है एल्प एरिया में, इसी का नाम, इसलिए इसका नाम जो है वो एल्प जे है। और जो मैंने आपको पहले बोला था कि हर एक मोमेंट पे जो नेचर है, लैंडस्केप है, उसने हमें शॉक किया, उसका एक एग्जांपल ये है आपके सामने। हम लोग हैं यहाँ अल्प जे में, बायन एरिया में, और आप लोगों को ये तो दिखाया ही है हमने जो लेक है, जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा लेक है। इसके अलावा भी हम लोगों का प्लान है अभी और भी चीज़ें दिखाने का, तो और भी देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने जो बिगेस्ट लेक है सदर्न बवेरियन एरिया का, बवेरिया एरिया का, वो देखा। इसका नाम है एल्प्स जे, जो मैंने पहले बताया। इसे ग्रॉसर जे भी बोलते हैं, ये एल्प्स के बहुत ज़्यादा पास है इसलिए इसका नाम एल्प्स जे है, और बहुत बड़ा है इसलिए इसका नाम ग्रॉसर जे है। ये पूरे माउंटेन से घिरा हुआ एक नेचुरल लेक है, बहुत ज़्यादा फेमस है वाइल्ड स्पोर्ट्स के लिए, और आप जो रेंट पे ले सकते हो बोट यहाँ पर, बिकॉज मैंने आपको बोला था ये जो ट्रैवल है ये पहले जैसा नहीं रहा कोविड के कारण, इसलिए सब कुछ बंद था, पर फिर भी हम लोगों ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेचर के साथ स्पेंड किया। और मैंने जो आपको एल्प से दिखाया था जो लेक था, वो एक्चुअल में जो लेक है वो यहाँ से दिख रहा है, तो ये पॉइंट पे फ़ोटो खिंचाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसके बाद देखो फ़ोटो कितना अच्छा आएगा। ये है, तो हम लोगों ने एक्चुअली में यू टर्न लिया और फिर से यहाँ पर आके ये फ़ोटो खिंचाया। बट दिस इज़ जन्नत। कॉफी लेके आ रहा है।
तो हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ कॉफ़ी शॉप और आइसक्रीम शॉप ही मिली, बाकी सब कुछ बंद था। तो हम लोगों ने बस कॉफ़ी ही पी, और हर जगह जहाँ भी आपको एंटर करना है किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे, वहाँ मास्क लगा के जाना है। और अब हम लोग जा रहे हैं चेक इन करने, और क्योंकि हम लोगों को बुकिंग नहीं मिली थी। दीपक कितनी दूर है वो? 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो सी रोड पतली पतली सी, ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम खेतों में से घुसा घुसा के ले जा रहा है। कितनी साफ सुथरी है एकदम। चेक इन करना है तो सो लॉकडाउन ट्रैवल या कोविड के टाइम का ट्रैवल पे सबसे बड़ा चेंज ये था कि हम लोगों को जो एयरबीएनबी मिला वो कॉन्टेक्ट लेस चेक इन वाला मिला। हम लोगों को कोड दिया उन लोगों ने, और हम लोग सीधे यहाँ पर कोड टाइप करके और अपनी की कलेक्ट कर सकते थे। किसी ने ना हमसे आके हमें की दी, ना किसी ने हमको यहाँ पर कुछ भी बात करी। सीधे हम लोग आए, हमने कोड यहाँ पर डाला और हम लोगों को की मिली, और हम अपने जो होटल रूम है उसमें चले गए। बहुत चेंज हो गया है कोविड के बाद की सिचुएशन, ट्रेवल्स जो है वो बहुत ही डिफरेंट हो गया है। सब शांति शांति है और ऐसा है ट्रैवल। इसके बाद चेक इन करने के बाद मौसम अच्छा हो रहा था, तो हमने सोचा आप लोगों को एक और जगह दिखाएं जो कि थोड़े से ही पास थी, तो चलो वो भी एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज अभी मैंने आपको एल्प्ज़े दिखाया था, और अब हम लोग खड़े हुए हैं लिंडाओ में। बोडेनज़ी या लेक कॉन्स्टेंट आपने नाम सुना होगा, ऐसा लेक जहाँ पर तीन कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग जगह पर, मतलब एक जगह ऑस्ट्रिया से कनेक्टेड है, एक जगह स्विट्ज़रलैंड से, और जर्मनी में ऑलरेडी हम हैं। और अभी हम खड़े हैं लिंडाओ, तो लिंडाओ करके पीछे दिख रहा होगा। और चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लेक दिखाती हूँ, और मस्ट विजिट प्लेस है तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली जगह। लिंडाओ जो है वो एक आइलैंड है, बहुत सुंदर आइलैंड है। इस जगह पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ, पर लॉकडाउन के टाइम पे और कोविड के बाद का जो लिंडाओ है वो बहुत अलग है। पहले यहाँ पर थे रेस्टोरेंट जो कि बहुत पूरे टाइम खुले रहते थे, बहुत ज़्यादा क्राउड, और अभी आप देखो सब कुछ जो है वो एकदम खाली है। ये जो जगह है लिंडाओ, ये भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी। अभी तो हम बहुत अच्छे से नहीं घुमा पा रहे हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको जरूर आना चाहिए। बस थोड़ा जो टेम्परेचर एटलीस्ट 16 to 20 degrees हो तब आओ तो और अच्छा लगेगा आपको। एंड देन आप शिप से लेक कॉन्स्टेंस जा सकते हो, ये शिप्स हैं जो चलती हैं इधर से लेक कॉन्स्टेंस जा सकते हो, और वो भी बहुत सुंदर आइलैंड है ना दीपक, दैट्स आल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और स्विट्जरलैंड बॉर्डर कनेक्ट होता है बाय फीट, तो उस जगह जरूर, हाँ उस जगह जरूर जाना जहाँ पर जो स्विट्जरलैंड और जर्मनी का बॉर्डर है, मतलब वहाँ पर है ऐसा एरिया, तो वो जगह जरूर जाना। बहुत अच्छा टाउन है वो, एक्चुअली टाउन भी अच्छा है, शॉपिंग के लिए भी अच्छा, घूमने के लिए भी अच्छा, और ये भी बहुत अच्छा टाउन है। हाँ ये एक छोटा सा है, दैट्स थोड़ा बड़ा है, और वो सामने ऑस्ट्रिया है, उसमें एक टाउन है ब्रिगेंस, वो सामने जो दिख रहा है, हाँ वो सामने ऑस्ट्रिया है, वो ब्रिगेंस टाउन है, वो भी देखने लायक, वो भी बहुत तगड़ा है। हाँ और दीपक अच्छा ठीक है, ब्रिगेंस, लिंडाओ और कॉन्स्टेंस, और कॉन्स्टेंस देखो ये आइलैंड लिंडाओ आइलैंड। हाँ ये लिंडाओ, ये लेक है पूरी,
इस लेक में, ये ऑस्ट्रिया है, ये स्विट्जरलैंड है, ये जर्मनी है। तो एक लेक जो तीन कंट्रीज को कनेक्ट करता है और वो भी तीन सबसे ब्यूटीफुल कंट्रीज, लाइक ऑस्ट्रिया इज ब्यूटीफुल, स्विट्जरलैंड तो सबको पता ही है एंड जर्मनी इज ब्यूटीफुल। ये है वो लेक जिसका नाम है बोडेंसी भी बोलते हैं इसे, लेक कॉन्स्टांस भी बोलते हैं इसे, और हम लोग जिस आइलैंड में खड़े हैं उसका नाम है लिंडाउ, जो कि छोटा सा बहुत ही ब्यूटीफुल एक टाउन है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक और जगह कवर करने वाले हैं जो एल्प्स के बहुत पास है। अब हमारी डे टू की शुरुआत हो गई है और हमने सोचा था कि आज हम थोड़े गर्म वाले कपड़े पहन पाएंगे, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। अभी कुछ है ना वेकेशन होम, ये तो Thank you.